हेलो एंड वेलकम बैक टू अ स्लो डे इन आर लाइफ तो स्लो डे कमिंग डे आराम से चिल करने वाला डे कैसा होता है सो लेट्स स्टार्ट विद दैट तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया मोस्टली वी बहुत वर्क फ्रॉम होम अजगर के तो ग्राउंड रिपोर्ट्स होते हैं सो एक बट ही राइट्स एट होम और ओनली तो फिर हम तो उन्होंने अपना अपना काम कर रहे थे फिर मुझे ख्याल आया लेट्स ईट समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज पिछला एक महीना सिर्फ शिफ्टिंग 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 में हम लोग बिजी रहे तो बाहर का ये वो सो वी वर काइंड ऑफ मिसिंग आर काइंड ऑफ़ फूड हम दोनों जैसा खाना बनाते हैं सिंपल ईजी मिल के एंड बहुत अच्छा लगता है बट हमें वो तो वो खाना सो so, मगर मैंने सोचा थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग भी करते हैं सो आई थाट ऑफ मेकिंग पनीर टिक्का मसाला सो so, मैंने पनीर मंगा ली और उसको थोड़ा से गर्म पानी में सोप कर दिया बिकॉज वो सॉफ्ट और जो भी उसकी मतलब वो ऐसे होती है वॉश कर दिया गर्म पानी से देन ये थोड़ा सा बेसन भूना एंड ये दही एंड आई गेस लाल मिर्च हल्दी गोरिया पाउडर काला नमक थोड़ा सा एंड ऑयल इसका एक बैटर टाइप बना लिया बैटर क्या कोटिंग इसी को पनीर पनीर में इस पनीर को इसमें डाल के हम लोग मैरिनेट कर देंगे एंड फ्रिज में रखेंगे तो आपको जो भी सब्जियां पसंद हो सब्जियां इन द सेंस ये वाली सब्जियां लाइक like, कैप्सिकम अनियन टोमेटोज़ आपको इसमें से कुछ नहीं पसंद है तो यू कैन स्किप दैट एंड इट इज़ वेरी ईजी एंड सिम्पल बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी डिलिशियस तो मुझे तो हम दोनों को तो सारी चीज़ें ही पसंद है ज़्यादातर तो कैप्सिकम अजगर को भी बहुत पसंद है मुझे भी पसंद है अनियन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है टोमेटोज़ भी थे तो मैंने सोचा टोमेटोज भी डाल देते हैं जबकि मुझे टोमेटोज इतना ज़्यादा पसंद नहीं है इसमें एज अ ग्रेवी बहुत पसंद है बट ऐसे नहीं पसंद है बट मैं डाल दिए तो बस ये मैरिनेट कर दिया हमने वाइल हमने सोचा कि हमारे जो हेल्पर हैं वो आ जाएँ तो अपना काम वाम स्टार्ट करें तब तक मैं इसको रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में ताकि अच्छे से मैरनेट हो जाए फिर असगर इधर से बालकनी खोल के अच्छे से चिल करके अपना काम कर रहे थे वेल ही हैड सेकेंड कप ऑफ टी एंड खुद चाय बनाते हैं तो मुझे भी पिलवाते हैं लो लो जरूर पी प्लीज पियो पियो तो मैंने तो बिल्कुल स्टिकली मना कि मैं चाय नहीं पीती हूँ प्लीज मुझे मत दिया करें खुद पिया करें बस फिर मैं वापस आ गई अपना काम करने बिकॉज मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क हो गया था बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग एंड ऑल मेरी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हो गई थी एंड सेटिंग शिफ्टिंग में बहुत टाइम लग गया तो बस मैंने सोचा आज पूरे दिन बैठ के पेंडिंग वर्क जितना हो सकता है उतना कम्प्लीट करूँगी थोड़ा सा बीच में चिल वाला टाइम लिया गैप लिया चिल भी करा आई कुक कुकिंग इज़ फॉर मी कुकिंग फॉर मी इज़ लाइक अ थेरेपी अगर कभी मैं बहुत एक्टिक होता है बहुत टेंशन में होती हूँ आई कुक आई कुक समथिंग चल लाई कि बेकिंग तो मैंने सोचा चलो पनीर मसाले मसाला मज़ा आएगी तो इसी बीच बीच में मैं गई दीदी आ गई थी तो दीदी वाज वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धो रही थी वो तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ तो थोड़ी उनकी भी हेल्प मिली जाएगी इधर से तो बस मैं ये अपनी पनीर टिक्का मसाला जो हमने मैरिनेट करा था इसको हल्के से ऑयल में नॉट डीप फ्राई बट हाँ हल्का सा पैन में ऑयल लगा के इसको शालो फ्राई कर लिया एंड इसमें एक अच्छा सा वो चार्ड लुक आ गया तो उसके बाद मुझे तो ऐसे चार्ड सा पसंद है बहुत अच्छा लुक आता है एक हल्का सा वो ना चार्ड लुक तो बहुत टेस्टी भी लगता है ये तो मैंने उसको बस निकाल लिया मेन वाइल असगर अजगर का डिपार्टमेंट इज़ राइस डिपार्टमेंट और बाकी जो डिपार्टमेंट होता है ही ऑलवेज कुक्स द राइज़ ज़्यादातर बिकॉज हम रोटी वोटी तो नहीं कर पाते हैं कभी सोच रहे थे मम्मा बोल रही थी कि दीदी से आटा वाटा करके बनवा लिया करो तो वैसे कर लेते हैं बट हम दोनों को नहीं आता रोटी अजगर फिर भी मुझसे बेहतर रोटी बना लेते हैं तो कभी हमारा बहुत जब मन करता है तो दैट uh, इज़ ऑल्सो अजगर डिपार्टमेंट वही आटा बहुत अच्छा गून लेते हैं फिर रोटी पर आटा भी खा लेते हैं हम लोग कभी कदार बट यूजली ईजी है राइज तो वे ही कुक्स राइज ओनली एंड आई आई डू द ये मेन जो भी डिश होती है एक डिश हम बनाते हैं तो ये हम दो लोग होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी एंड टेस्टी भी होता है मेन वाइल हमें साथ में बहुत भूख लगने लगी तो मैंने सोचा कि हमें क्या क्योंकि हमने सुबह सिर्फ चाय बिस्किट खाया था तो मैंने सोचा चलो ये पनीर टिक्का के सैंडविच बना लेते हैं क्योंकि पनीर टिक्का बन गया अभी ग्रेवी बनने में टाइम लगेगा राइस वाइज तो हमें लेट होगा तो ये मैं पनीर टिक्का सैंडविच मैंने अपने सैंडविच मेकर में सोचा बना लेती हूँ बट इसी सैंडविच मेकर की प्लेट पर मैंने अपना हाथ चिपका लिया एंड मुझे इतनी तेज बर्निंग हुई ना फिर मैं असकर आया जल्दी से फिर हम लोगों ने वो फ्रीज़ में रखा पेस्ट लगाया पता नहीं क्या, क्या क्या किया फिर असगर ने कहा तो मुझे डायरेक्ट करो मैं बनाता हूँ इसकी ग्रेवी अब क्या बचाए मेरे ग्रेवी बचा है फिर असगर ने कहा चलो मैं ग्रेवी बनाता हूँ और राइस तो अभी बना नहीं है मुझे तो बस मैंने डायरेक्ट करा वाहल असगर राइस निकाल रहे थे और हम दोनों हर दिन राइस बनाते हैं असगर और तब भी हम दोनों डिस्कस करते हैं कितना बनाना है कितना बनाना है क्योंकि हमें सच में क्वांटिटी का आज तक अंदाज़ा नहीं हो पाया है बट हाँ हमारे यहाँ क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम यूजली तो अगर बज कम पड़ जाता है तो शाम में राइस बना लेते हैं अगर नहीं कम पड़ता है बच जाता है तो हम लोग शाम में भी राइस खा लेंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे दोनों टाइम हम लोग यूजली कोशिश करते हैं कि हम लोग एक टाइम बनाए तो दो टाइम हमारा हो जाए बिकॉज हम दोनों के पास टाइम नहीं होता है उतना तो बस फिर इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाली एंड इट लुक सो यमी। फिर राइस बन रहा था वो तो असगर अपना कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ दीदी सफाई कर रही थी तो मैं वापस अपना काम करने आ गई और दीदी जो हमारी थी वो हमारी घर की सफाई कर रही थी एंड आई विल गिव योर होम टूर एज़ वेल बहुत जल्दी बट अभी थोड़ा पूरी सेटिंग नहीं हुई है बट माशाल्लाह इतना प्यारा इतनी हवा आती है इतना खुला खुला हमारा घर है इतना मज़ा अच्छा लगता है यहाँ पर सो so, उसका होम टूर एंड एक स्पेशल वॉक तो आएगा ही इधर मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज हेक्टिक काम वाम ये वे उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़े दिन में शेयर करती हूँ बस हमारा लंच टाइम हो गया वी था और फिर हम लोग भाई डाइनिंग टेबल पर नहीं खा डाइनिंग <laughs> टेबल पे कभी नहीं खाते कभी कोई गेस्ट आता है तो ना डाइनिंग टेबल पे दो लोग होते हैं क्या डाइनिंग टेबल पे खाएँ हम दस्तरखान बिछाते हैं यूजुअली कालीन पे एंड आराम से पल थी मार के बैठ के खाते हैं एंड राइस और सर्विंग अजगरी मोस्टली करते हैं एंड आई लव दिस थिंग अबाउट him. आज से नहीं हमेशा से वो पहले मेरे लिए निकालते हैं फिर खुद के लिए निकालते हैं बस ये हमारा पनीर टिक्का मसाला बहुत टेस्टी बना था फिर इवनिंग टाइम हो गया वी टुक सम रेस्ट बातें बातें करी फिर मूवी देखी थोड़ी सी फिर हमने सोचा चलो कॉफ़ी पीते हैं एंड आई मेक द बेस्ट कॉफी इंशा फातमा के बाद हाँ इंशा भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है बट शी मेक्स कोल्ड कॉफी ओनली बट आई मेक हॉट कॉफी ऑल्सो तो फिर हमने सोचा कॉफ़ी पीते हैं आजकल असगर को भी मेरी कॉफ़ी बहुत पसंद आ रही है तो मैंने बोला चाय तो नहीं पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे तो मैंने सोचा चलो लेट्स मेक सम कॉफ़ी बिकॉज इतना ठंडा मौसम हो रहा था इतना अच्छा वेदर हो रहा था बारिश हो रही थी हवाएँ चल रही थी तो कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा लाजमी हो जाती है ऐसे में फिर देखा तो शक्कर का पैकेट रखा हुआ था मगर शक्कर नहीं थी तो बस शक्कर भरी उसमें और फिर हमारी कॉफ़ी जो है वो तैयार होने वाली थी बीटन कॉफ़ी बनानी थी बट मेरा ज़्यादा बीट करने का भी मन नहीं था तो बस बना ली फिर असगर अपना वापस काम कर रहे थे मैं असगर के पास गई हमने थोड़ी सी कॉफी साथ में पी उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी जा रही हूं अपनी कॉफी लेकर आई एल डू माई वर्क तो बस मैं वापस आ गई रूम में एंड मैंने ये रूम का बालकनी का दरवाजा खोला यहां पर पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट यहां से इतनी अच्छी हवा आ रही थी पीछे की बालकनी से फिर फ्रेंड की बालकनी भी दिखाऊंगी आपको बहुत प्यारी एंड बहुत अच्छा नजारा है वहां से भी फिर मैंने सोचा चलो अपना काम रेशम फातमा कर लो फिर हम काम कर कर के हम दोनों बहुत बोर हो चुके थे तो हमने सोचा चलो लेट्स गो आउट थोड़ा सा बाहर बाहर घूम के आते हैं टहल के आते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी तो ये था हमारा एक काम साधिंग सा डे सा आराम सा स्लो डे जिसमें कोई रश नहीं कुछ नहीं अपना अपना काम करा हम लोगों ने वी हैड गुड फूड और इवनिंग में हम चले गए थोड़ा सा ऐसे ही टहलने तो ये हमारी सोसाइटी है हम कभी आपको देंगे इसका पूरा पूरे हाँ होम टूर देंगे तो एल शो यू और ये फाउंटेन शाम में चलता है इट लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह सो बाय बाय एवरीवन टेक केयर सब्सक्राइब